भाई 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 आज हल्दी है, बहुत सारे काम करने। कैसा लगा ये हल्दी का डेकोरेशन? ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक अच्छा बना है। क्या शर्मिला, इधर सुबह से मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, पहले चूड़ी भराई का किया, अभी ये किया, तुमने एक बार मुझे थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू, ये कौन सा तरीका है थैंक यू बोलने का? तुम्हारी हंसी प्यारी डरावनी है। क्या हंसती हो? आ गया है सोसाइटी के हीरो, आ गए। तुमको जोड़ा सी अकल नहीं आ गई है? हल्दी का फंक्शन है अभी शाम को और तुम मार खाके आए हो। माँ आपने देखा नहीं, वो कितना बदतमीजी से शर्वरी से बात कर रहा था। तो क्या हुआ? माँ वो मेरी दोस्त है, उसके साथ अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, और अगर वो मेरी दोस्त भी नहीं होती, कोई और लड़की होती तो भी मैं ऐसे ही करता। तुमको तो बस हीरोगिरी करनी होती है, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं, हीरो बनना है हीरो बनना है, बस हीरो बनो तुम। जरा अपना भी सोचो, अभी हल्दी के दिन में तुम ऐसे मार खा के आयो, कोई खाता है ऐसा मार? वो शीला भी देख रही थी, कैसा लगता है वो? माँ जिसको जो लगना है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको तो नहीं लगेगा बुरा, मुझे लगता है ना बुरा, मेरा भी कुछ सोच लिया करो कभी। माँ आप ही ने मुझे सिखाया है सही गलत, और आज मैं सही के लिए खड़ा रहा, इसमें आपको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही ने मुझे ये संस्कार दिए है माँ। अब ये खेल मेरे ही साथ खेल तू। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। ऐसी ही बात है, माँ को उल्टा जवाब देता है। माँ बस कर, बहुत बोल लिया। अच्छा सॉरी, नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी। सॉरी ना, बस 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 उठ जा, ज्यादा तो नहीं लगा ना? ना ना ज्यादा नहीं। वो निकाल के फेंक दे। वो किसको? वो शार्वर की साड़ी का पल्लू, इन्फेक्शन हो जाएगा उससे, फर्स्ट एड लगाती हूँ मैं। नहीं माँ मैं इसको नहीं उतारूंगा। तू नहीं निकालेगा? शर्वरी ने बहुत प्यार, अगर ये निकालूंगा तो खून बहेगा ना। बहने दे, थोड़ा सा खून बहने दे, उससे इन्फेक्शन ही हो जाएगा, पता नहीं उसका पल्लू कहाँ कहाँ लटकता रहता है, सारे सोसाइटी की धूल उसके ऊपर होगी, वही बांध दिया तुमको। मैं फर्स्ट एड लाती हूँ, डेटॉल लाती हूँ, अच्छे से साफ करके बांधती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक। देखो ने ये कैसा है, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, क्या है हल्दी है तो खराब ही होना है, यही पहन। हेलो हेलो अभिजीत। हाँ बोलो शीला। शीला को कॉल है, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ अंदर चला गया, ऐसी क्या प्राइवेट बात कर रहा है गाधा, ये इधर रखती हो पहन लेना, और जल्दी तैयार होना, शाम हो गई है, मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। बोलो क्या बात करनी है? मोबाइल पे नहीं करनी, तुम एक काम करो सोसाइटी के हॉल में आ जाओ, मैं भी वहीं पे आती हूँ। ए शीला कितने देर से ढूंढ रही थी तुझे मैं, अभी शाम हो जाएगी, हल्दी का प्रोग्राम है, तैयार कब होगी तू? ये ले साड़ी। ठीक है भाभी पहनती हूँ मैं। पहनती हूँ क्या, जल्दी जाओ शाम हो जाएगी फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं ब्रांडेड, मेरी बिंदी ब्रांडेड, मेरी साड़ी ब्रांडेड, बैंगल ब्रांडेड, मैं खुद ब्रांडेड। डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या क्या कर रहा है, डांस सीख रहा है क्या? नहीं मुझसे तो हो ही नहीं रहा। क्या काम की ये दोया, डांस की क्लास खोल के रखे, एक बंदे को डांस नहीं सिखाती, छोटे छोटे बच्चों को डांस, अरे बड़ों को भी सिखाओ, बड़ों ने क्या गुनाह किया है? क्या करूं कुछ समझ में भी नहीं आ। सिखाओ क्या दो तीन स्टेप्स, अब इसके साथ मैं बात ही नहीं करूंगी।
हर बार इग्नोर कर रहा है मुझे, हर बार इग्नोर कर रहा है। अभी नॉट टॉकिंग विद बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड से कट्टी। यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इससे अच्छे तो 5-5 साल के बच्चे डांस करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं हो रहा है मुझसे। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्यों आ गए? वो मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सोसाइटी में संगीत का कंपटीशन है और मुझे हारना नहीं है, क्योंकि जब मैं हारूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपको डांस सीखना ही है तो किसी प्रोफेशनल से जाके सीखिए। ऐसे थोड़ी ना कोई डांस सीखता है वीडियो देख के। मुझे देखिए, आई एम प्रोफेशनल, मैं मेकअप सिखाती हूँ। वैसे ही डांस सिखाते हैं लोग, उनके पास जाके सीखिए। संगीत का कॉम्पिटिशन अगले कुछ दिनों में ही है, इसीलिए मैं कोई टीचर से डांस नहीं सीख रहा, मोबाइल पे सीख रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मुझे 2-3 स्टेप आते हैं, आपको सिखा देती हूँ। क्या बात कर रही हो आप? बहुत इजी स्टेप से आप यू सीख जाओगे। ओके हाय, क्या मौके पे आई है बाहर। हाथ कीजिए आगे। अभी मेरा हाथ पकड़िया। मैंने कहा ही था पहले, ये शर्वरी का 2.0 ही बनने वाली है। अभी ये हाथ कमर पे रखिए। आपके कमर पे नहीं, मेरे कमर पे रखिए। ओए होए होए, ले ले ऐसा ही चाहिए। अच्छा खासा बेचारा बोल रहा था डांस सिखा दो, डांस सिखा दो, भाव चढ़ गए। अब देखो कोई और ही सिखा रहा है डांस। अब दिल में आग लग गई होके। ओके ओके, आप कंफर्टेबल नहीं हो, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आपने इससे पहले ऐसा डांस कभी नहीं किया, कोई बात नहीं, एक्शन कीजिए बस ऐसा पकड़ने की। वेरी गुड, अभी पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगी, आपके ध्यान में रहना चाहिए। एक पैर इधर, उधर नहीं इधर। एक पैर इधर, एक पैर इधर। ये मधुरा भी चांस पे डांस कर रही है। अभी ऐसा करते जाए, 1-2-1-2, 1-2-1। अभी घुमाइए। किसको? मुझे घुमाइए। आप पिक्चर में देखते हो ना, ऐसे घुमाते वैसे। क्या आप रेडी हो? आई एम रेडी। इतना जोर से घुमाते हो आप आगे वाले इंसान को, कोई नहीं करेगा आपके साथ डांस। सॉरी, इतना जोर से नहीं घुमाना, इंसानों में भी शक्तिमान ने इतना जोर से घुमा दिया। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जो भी आपको सिखाया उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सारा गंदा कर दिया मेरा, कोई बात नहीं। व्हाट इज योर नेम बाय द वे? बॉडीगार्ड। आपसे मिलके अच्छा लगा बॉडीगार्ड। चांस पे डांस। जोया जी, अगर आप भी डांस सिखाती तो अच्छा रहता। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। थैंक यू, अभी मैं इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करूंगा। वो तो है, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो सिखाई गई चीजें भूल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ये शीला ने मुझे यहाँ पे बुला लिया और खुद गायब है। अब I am really sorry, अभिजीत, मैं लेट हो गई। वो भाभी आ गई थी बीच में हल्दी की साड़ी देने के लिए। आज हल्दी है ना? अच्छा, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी जो फोन पे नहीं कर सकती, अभी वो बात बोलो। हाँ, वो मुझे एक जरूरी बात करनी थी, पता नहीं मैं तुमसे कैसे पूछूं, अच्छा भी लगता है कि नहीं, पर अभी हम एंगेज है तो पूछ सकती हूँ मैं ना? शीला जो भी बात है बोल दो। अभिजीत, ये देखो, अभी मैं जो भी बोलूंगी उसको तुम्हें अच्छे से जवाब देना है। आई मीन, तुम्हें जो सच है वही मुझे बताना है। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें पता है, इसीलिए मैं जो भी बोलूंगी उसका प्लीज सच सच जवाब देना।
ताकि मेरे अंदर का कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम सच में शर्वरी से प्यार करते हो? बिकॉन वैलेंटाइंस के वीक में तुमने उसको प्रपोज किया था, राइट? यू लव हर, ऐसा तुमने बोला था। तो इसीलिए मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? करता था? मैं कुछ समझी नहीं अभिजीत। करता था मैं शर्वरी से प्यार, और सबको पता है, छुप छुप के नहीं किया हमने प्यार, सबके सामने किया। एटलीस्ट मेरी तरफ से जो भी था वो सच था, उसकी तरफ से क्या था मुझे आज तक नहीं पता, ना उसने मुझे बताया, और इसी की वजह से आज ये दिन आया है। मैं हमेशा शर्वरी को चाहता था, और ये बात उसको भी पता थी। जो भी करता था मैं उसके लिए करता था, खुद से भी ज्यादा उसका ख्याल रखता था, पर उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस सोसाइटी में सिर्फ शर्वरी के लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ शर्वरी के लिए। मैं तो आते ही प्रपोज करने वाला था, पर मैंने सोचा नहीं, अभी रुकता हूँ। एक साल रुका, दो साल होने को आए, फिर मैंने सोचा चलो बहुत हो गया, अब प्रपोज कर देते। इसलिए मैंने वैलेंटाइंस के वीक में उसको प्रपोज कर दिया, पर उसने सीधा ना बोल दिया। और मैं ये भी जानता हूँ उसने मुझे ना क्यों किया, वो अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहती थी, और ये एकदम सही है। मैं उसको हमेशा उसमें सपोर्ट करूंगा। मैंने कब उसको मना किया तुम करियर मत करो? मैंने कब कहा तुम सब छोड़ के मेरे साथ शादी करो? बस एटलीस्ट मैं ये चाहता था वो मेरे सामने आए और बोले, अभिजीत मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, खत्म। मेरे लिए वही में सब कुछ खत्म हो जाता, पर उसने एक बार भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। बाय द वे, तुम ये क्यों जानना चाहती थी? कुछ नहीं, बस मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए। ये झूठ मूठ के नाटक के चक्कर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हम। मैं बस ये चाहती थी कहीं मेरी वजह से तुम्हारा अगर कोई प्यार है तो वो छूट ना जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी दोनों की जिंदगी में आना। शीला तो अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई? ससमा शीला को देखा क्या हो आपने? क्यों चाहिए तुझे शीला? क्या करना है उसके साथ? अभी हल्दी का प्रोग्राम है ना, मधुर आने वाले, उसका मेकअप करने के लिए। हल्दी के दिन कौन करता है मेकअप? हल्दी के दिन तो सब हल्दी लगाते हैं बस, मेकअप की कोई जरूरत नहीं होती। करते हैं। कौन करता है? मैंने किया था ना। तो तू कहाँ इस ग्रह की है? पर ग्रह वासी ससमा, मेकअप तो होगा। पैसा क्या बहुत ज्यादा हो गया क्या तुझे? जब देखो तब मधुरा मधुरा मधुरा, उसको भी कोई काम धंधे नहीं होते, दिन भर खाली बैठती है ब्यूटी पार्लर में, आ जाती है उठ के मेकअप थोपने, उसके लेती है 10-15 हजार। मैं अंदर से मधुर। मधुरा जी अभी आप ही बताइए, आप इस मेक्स फर्ट हो। शर्मिला जी आपने एकदम बराबर कहा, हल्दी के समय भी बहुत सारी लड़कियां मेकअप करती है, कोई नई बात नहीं उसमें। इससे क्या पूछ रही है, वो तो बिजनेस की बातें करेंगी, पैसे छापने के लिए बैठी है बस। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक, एक काम करना मधुरा, मेरी बेटी का मेकअप फ्री में करके जा करेगी। ऐसी कोई बात नहीं, तूने बोला ना, बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फ्री में कर मेकअप। देखिए मैं पहले ही 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ए 50-50 मत कर मेरे आगे, फ्री में करेगी बोल। क्या बात कर रही हो सुमा आप, कोई मुफ्त में कैसे करके देगा? यही तो कहा ना मैंने, बस पैसे छापने के लिए बैठी है वो। ससुर जी नमस्ते, से तो लगता है आप ससुर जी की फेवरेट हो। फेवरेट नहीं, ससुर की चमची है वो, ससुर की चमक छलो चलिए बैठते, मैं शीला को बुलाती हूँ। चलिए शीला, शीला भाभी बुला रही है, मैं जाती हूँ। पता नहीं कहाँ पे गई है कार्टी, हल्दी शुरू होने वाली है, आ जाओ। जीनी को भी साथ मिले क्या ना? जीनी नहीं आएगी। क्या वो लड़के वालों की तरफ से गए? बोल रही थी अभिजीत मेरा दोस्त है, शीला इतनी अच्छी दोस्त नहीं, उसे जमती नहीं। चलिए उधर जाने तो, मैं शर्वरी जी जोया जी को बुलाती हूँ। शर्वरी जी जोया जी। ओ तुम किनको आवाज दे रही हो? वो थ्री इडियट्स का ग्रुप है, एक साथ ही रहेगा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, थ्री इडियट्स। जाने दो, वो शशि बहन भी नहीं आ रही, श्रेया को मैंने भेजा था बुलाने के लिए, श्रेया को बोलती है
नहीं नहीं मैं लड़के वालों की तरफ से, मैंने कहा जाने दो उसको भी नहीं बुलाएंगे, क्या जरूरत है आप लगाए खुट ले। अभी तुम तुम्हारी सास दो, मैं मेरी सास हगो बे, एक औरत कम पड़ रही है का? ढोलकिया जी को बुलाए। नहीं नहीं उनको नहीं। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं अभी वही है सोसाइटी में, क्या होता है बुलाते हैं। सुमित्रा वो तमाशा कर देगी कोई। तो क्या कर रहे हैं आप? अपनी मदुरा है ना वो लगाएगी हल्दी, अभी शीला को सजाने के लिए आई है। वैसे शर्मिला तुम्हारे मायके वाले ससुराल वाले कोई नहीं आ रहे क्या शादी में? ऐसे ही कर रहे हो शादी? क्या लफड़े बाजों की शादी है? परिवार की शादी है, अरेंज मैरिज है, सब आने चाहिए। हाँ माना अगर लफड़ा होता तो ठीक है, छुप छुप के करते, पर इसमें क्या छुपाने का, दिन दहाड़े करने का शादी? वो क्या है हमारे गांव के लोग जरा ऐसी है, उनको अगर पता चल गया लड़का बंगाली लड़की मराठी तो और कुछ ना कुछ बवाल कर देंगे। इसलिए तो दुर्जी ने बोला पहले शादी कर देते, जो आप फफेली उसको सच कर देते और बहुत बड़ा ये रखते वो रिसेप्शन। ओहो तुम भी अब सिटी जैसे स्टाइल अपना रहे हो, शादी छोटी करेंगे रिसेप्शन बड़ा रखेंगे। हम भी हो रहे धीरे धीरे तुम्हारे जैसे ब्रांडेड। मेरे जैसे होने के लिए बहुत साल लगेंगे। चलो चलो हल्दी का कार्यक्रम करता है। हाँ चलो चलो। शीला अभिजीत तो मूव ऑन कर चुका है, पर शर्वरी, शर्वरी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे शर्वरी से भी बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। ए शीला आ रही हो भाभी? कहाँ पे थी गा तुम, कितनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, तैयारी करनी है कि नहीं? अभी हल्दी है तुम्हारी? कुछ नहीं वो ताजी हवा खाने गई थी भाभी, अभी हल्दी लग जाएगी ना तो। चलो जल्दी मैं उधर वेट करिए, कब से मेकअप सौंपने के लिए। चलो हाँ जा रही हूँ।